अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी ओलम के ऊपर, उम्मीद है आप लोगों ने वो देखी होगी। तो उसी के बारे में मैं अब आप लोग एक रेमेडी बताने लगी हूँ। ये रेमेडी आप अभी से इसको अच्छे से देख लें, ऑयली स्किन वालों के लिए और एक्नी स्किन वालों के लिए, जिनकी स्किन पे जो है ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं उनके लिए ये इंतहाई मुफीद एक जो है छोटी सी रेमेडी है। आप सबके घर में चीज़ें आसानी से अवेलेबल हैं, आप लोग उसको आसानी से बना सकते हैं और अपने जो है इसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ओलम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो 100% जो है नेचुरल होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। मैं इनके प्रोडक्ट्स अक्सर जो है परचेज़ करती रहती हूँ और इनका जो डिस्क्रिप्शन जो इनका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी। तो आइए अब हम आते हैं रेमेडी की तरफ। जी व्यूअर्स, तो अब हम बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ। आपको इसके लिए चाहिए हैं जस्ट टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक तो आप लोग ओलम का क्ले तो लेंगे ही, ठीक है, कॉलन क्ले। इनका मैंने आपको जैसे बताया है कि पेज वगैरह सब मेंशन कर दूंगी, ये देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। एक चाहिए आपको ये और एक आपको चाहिए अर्क्यू गुलाब की बोतल, ठीक है। अर्क्यू गुलाब आप किसी भी कंपनी का किसी भी उसका यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए ईजिली अवेलेबल हो। और सेकेंड हमें जो चीज़ चाहिए वो है हमारे पास मिल्क। अच्छा, अब आप जो मिल्क है वो ड्राई फॉर्म में भी ले सकते हैं और आप जो मिल्क है वो रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये मैंने 2 स्पून जो है ड्राई मिल्क पाउडर लिया है। तो आइए अब हम रेमेडी बनाते हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जितना आपको नीड है, जितने आपने फेस पर लगाना है उतना आप यहाँ पर ड्राई मिल्क ऐड कीजिए। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जो है यहाँ पर ऐड किया। अब यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ पोलन क्ले, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट कलर का होता है ये देखें इस टाइप, ठीक है। अब हम लोग बिल्कुल जितना हमने समझे जो है ड्राइवर किया है उतना ही हम लोग पोलन क्ले ऐड करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं बस। अब आप लोग जो है इसके अंदर थोड़ा सा एक्यूब्ला वाटर ऐड करेंगे, आप टेबल स्पून से भी ऐड कर सकते हैं, वैसे भी ऐड कर सकते हैं, कोई इसमें मसला वाली बात नहीं है। 1 टेबल स्पून इतना करना है जितना ये थिक हो जाए, आपके फेस पे इजीली स्टिक हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, ये आप लोगों को तो अंदाज़ा हो जाएगा जब आप लोग बनाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतना मिक्स करना है जितना आप अपने फेस पर इसको लगा सकें। अच्छा देखिए, थोड़ा सा ये जो है लिक्विड हो गया। और हाँ, एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि इसको बिल्कुल भी बना के छोड़ना नहीं है, वरना ये बिल्कुल जो है पानी की तरह जो है हल होना शुरू हो जाएगा। तो इसको बनाने के साथ ही आप लोगों ने फ़ौरन से जो है इसको लगा लेना है। अब जैसे मेरा थोड़ा सा लिक्विड ही हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा और कॉलन के लिए जो है वो ऐड करूँगी। जैसे आपको मैंने बताया कि इसमें कोई स्पेसिफिक मिकदार नहीं है जितना आपको, तो मैं आपको ये बताई थी कि आपने इतना ही इसके अंदर जो है पाउडर ऐड करना है जितना आपके फेस के लिए रिक्वायर्ड हो और जितना ये थिक हो जाए और आपके फेस पे स्टिक हो जाए, ठीक है। ऐसे भी काफ़ी ड्राई सा हो जाएगा, तो लगाने के बाद ये बिल्कुल ना जैसे एक चूना की टाइप शक्ल होती है ना, बिल्कुल ड्राई ड्राई सा हो जाएगा वाइट सा, ठीक है। मैं आपको लगाते हुए दिखा देती हूँ अपने हाथ के ऊपर। कुछ इतना आपने करना है जितना ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी लगेगी जैसे आप कोई चॉक वगैरह या कुछ इस टाइप की चीज़ कर रहे हो, क्योंकि ऐसे होते क्ले है ये, तो इसके बम से बनने में इसके अंदर ये नहीं बननी चाहिए बिल्कुल। अब इससे आपको मैंने बताया था कि लगा के थोड़ा छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ साथ साथ, तो आपने छोड़ना नहीं है, बस बनाते ही लगा देना है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी स्मूथ है क्योंकि हमने इसमें मिल्क भी ऐड किया है, तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेगा, ज़्यादा ड्राई नहीं करेगा। तो आपने इसको लगा के छोड़ देना है। अच्छा व्यूअर्स, अब ये आप देख सकते हैं कि ये ड्राई हो गया, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में है ये देखें, क्यों ठीक है, बिल्कुल इस तरह का पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। अब हम इसको साफ़ करेंगे, ये टिश्यू पेपर से आप साफ कर लें या किसी भी चीज़ से। ठीक है, अब मैंने आपको हाथ लगा के दिखाया, जाहिर सी बात है जो आपकी एक्ने वगैरह होगी या फेस पे जो आपका ब्लैक हेड्स वगैरह होंगे तो ये उसको ही सही से क्योर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने फेस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं मिक्सचर पूरा बनाकर। तो आप इसको आराम से जो है घर में यूज़ कीजिए और आप इतना फीडबैक देना मत भूलिएगा, ये ओलम वालों के प्रोडक्ट्स हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको कोई क्यूरीज हो, कुछ आपने पूछना हो, तो आप हमारे इनबॉक्स में हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।